पहले केजरीवाल ने कुर्सी पे सवाल उठाया, अब अखिलेश ने योगी पे तूफानी बयान दिया। कौन है बीजेपी नेता जो योगी की कुर्सी पर बैठना चाहता है? क्या योगी की कुर्सी जाएगी? शाम में आरएसएस समझाता, सुबह बीजेपी नेता भूल जाते। हाथ धोकर नेता योगी के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या योगी की कुर्सी खतरे में है या ये सिर्फ हवा की तरह न दिखने वाला एक बयान है? इस बार सवाल केजरीवाल ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने उठाया। उन नेताजी का नाम भी बताया जो योगी की कुर्सी लेना चाहते। इसकी आज हाथरस में भी देखी गई थी। योगी को फ्री हैंड नहीं मिलना, हाथरस में योगी का बुलडोजर रुकना, पार्टी में कई नेताओं का मीटिंग से गायब होना, अनुप्रिया पटेल जैसी सहयोगियों का योगी को आंख दिखाना, क्या सच में योगी की कुर्सी पर कोई खतरा है? क्या सच में योगी को अपनों ने ही चारों तरफ से घेर लिया है? हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन बीजेपी सरकार कोई खास एक्शन नहीं ले पाई। क्या योगी की नींद उड़ी है? वो जनता को बुलडोजर के इकबाल पर क्या जवाब दे पाएंगे? योगी ने सभी अधिकारियों से साफ कहा, दोषी को नहीं छोड़ेंगे। फिर सूरज पाल कैसे बच गया? क्या योगी ने एक्शन लेना शुरू किया था, उसके पहले ही उन्हें किसी ने कहा रुक जाओ? आम तौर पे योगी से बगावत की खबर आते ही नाम केशव प्रसाद मौर्य का आता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य तो चुनावी नतीजों के बाद से लंबे वक्त से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इस बार लखनऊ में ही एक खेल चल रहा है। ये खेल कई महीने से चल रहा है। हाथरस कांड के बाद अखिलेश यादव का एक बयान आता है जिसमें वो साफ नेता का नाम लेते हैं। पत्रकार ने सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर पूछा लेकिन अखिलेश यादव ने पोल बीजेपी की खोल दी। अखिलेश खुद यूपी के सीएम रह चुके हैं, आज भी यूपी के अधिकारी नेता सब उनके संपर्क में रहते हैं। अगर वो ये बात कहते हैं तो जरूर इसमें कोई गहराई होगी। जब इस विभाग के मंत्री कुछ पॉलिटिकल अपना स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं तो विभाग को कौन ध्यान देगा? वो तो चाहते हैं मुख्यमंत्री हट जाए, हम बन जाए, क्यों कहलवाते हो सीधी बात? तो जब खुद ही वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो विभाग कौन देखेगा? और मुख्यमंत्री ये बात जानते हैं कि ये पीछे पीछे पड़े हुए तो उनके विभाग को कुछ बजट ही नहीं दे रहे। ये तो सदन में भी हम लोगों ने कहा था, अगर याद हो आपको, याद है कि भूल गए आप? तो क्या सच में ब्रजेश पाठक का नाम योगी की कुर्सी पे चल रहा है या पाठक जी योगी की कुर्सी की तरफ देख रहे हैं? बीजेपी में तूफान हमेशा रहता है। कोई एक हमेशा बीजेपी में होता है जिसकी चर्चा योगी की कुर्सी पर होती है। कभी केशव प्रसाद मौर्य तो कभी ब्रजेश पाठक तो कभी एके शर्मा का नाम आता है। क्या बीजेपी में दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? इसका चौंका देने वाला खुलासा एक अधिकारी भी करते हैं, हालांकि हम आपको उनका नाम नहीं बता सकते। दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के बीच कुछ ऐसा व्यवहार है कि दोनों डिप्टी सीएम किसी व्यक्ति की मुलाकात योगी से नहीं करवा पाते, ना ही उनके विभाग की एक फाइल योगी के आदेश के बिना जाती है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर हर काम योगी के आदेश से ही चलता है। इस बात की शिकायत दिल्ली तक होती रहती है लेकिन योगी का दावा है कि वो यूपी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी। बीजेपी की फूट क्या योगी की कुर्सी को खा जाएगी? ऐसा इसलिए क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग से तीन बार केशव प्रसाद मौर्य का गायब होना, एक मीटिंग में ब्रजेश पाठक का ना दिखना क्या कहता है, क्या चल रहा है? इस बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। एक वक्त था जब बीजेपी पे आरोप लगे थे कि पार्टी ब्राह्मण विरोधी हो गई। उस वक्त बीजेपी ने दिनेश शर्मा की जगह ब्राह्मण ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बना दिया। कहा गया कि उन्हें दिल्ली से काम करने का मौका मिला। शुरुआत में उन्होंने अस्पतालों में छापेमारी भी की, सब कुछ कर रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, जनता भी खुश थी। लेकिन अचानक बीजेपी में उनका कद बढ़ गया। जो काम पार्टी अध्यक्ष का होता है वो काम उनको मिल गया और ब्रजेश पाठक कई नेताओं को दूसरी पार्टी से लाकर बीजेपी में शामिल करवाने लगे, जिसके बाद ये इशारा मिलने लगा कि क्या उनका कद बढ़ गया। अखिलेश यादव का बयान आना सत्ता में बैठे योगी की नींद उड़ा सकता है। अखिलेश यहाँ तक दावा करते हैं कि योगी को भी ये बात पता है कि ब्रजेश पाठक उनकी कुर्सी लेना चाहते हैं। हाथरस कांड के बाद भी योगी का वो एक्शन ना दिखना जो दिखना चाहिए। चुनावी हार के बाद उतरा मायूस योगी का चेहरा, काम करने का स्टाइल बदल जाना, लगातार मीटिंग पे मीटिंग करना, उपचुनाव सिर पर होने के बाद भी पार्टी में घमासान मचना, क्या इशारा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है?
इसकी वजह क्या हो सकती है? ये अखिलेश यादव विरोधी होने का फायदा उठा रहे हैं ताकि योगी पर ऐसा बयान देकर बीजेपी में तूफान लाया जा सके। लेकिन अखिलेश यादव और केजरीवाल के बयान को यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि कई किताब, कई पत्रकार और पीएमओ से जुड़े कई सूत्र बार बार दावा करते हैं कि बीजेपी में योगी को लेकर सब कुछ ठीक नहीं रहता है। यूपी में लोकसभा की करारी हार के बाद बीजेपी को लेकर दो तरह की खबरें चली। पहली ये कि योगी के लोगों को टिकट नहीं दिया गया, दूसरी ये कि योगी को दरकिनार करके टिकट बांटा गया, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आना और ब्रजेश पाठक का नाम लेना सियासी भूकंप से कम नहीं है।